सारे कार्यक्रम लगे हुए और जिसकी वजह से मुझे आने में देर हो गई। वो इसलिए रहता है क्योंकि अभी आप लोगों के बीच में आए हैं तो अपनी मर्जी से, लेकिन गांव से जब जाएंगे वो आप लोगों की जब इच्छा होगी तब आप लोग भेजोगे, इसलिए देर हो जाती है। बहुत बार वैसे तो आप लोगों के बीच में आना हुआ, लेकिन ऐसे सबके साथ बैठ करके कार्यक्रम हम लोगों ने नहीं लगाए, लेकिन गांव में आने का माने कोई भी बहाना हो सकता है, मंदिर पे भंडारे का कार्यक्रम, किसी के जन्मदिन है, किसी की शादी ब्याह है, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जिनके माध्यम से हम लोग आपस में मिलते जुलते रहते हैं। तो मुझे लगता है आपके गांव में मेरे 10-15 चक्कर तो लग गए होंगे थे। तो आप लोगों के बीच में आज आना इसलिए हुआ है, जब मैं पहले चुनाव में आया था तो मुझसे सबसे ज़्यादा आप लोगों की मांग थी कि सड़क की, और प्रयास करके मैंने इस सड़क को पड़वा भी दिया। बहुत सारी दिक्कतें भी आई थी क्योंकि कई जगह कई बार ये सड़क शुरू होकर के काम इस पर रुक गया। कहने का मतलब ये है कि आपके लिए आपका विधायक समर्पित रहा है, आपकी सेवा में कोई कोर कसर छोड़ने का काम मुझे नहीं लगता मैंने किया है। ये हो सकता है कि इन 5 सालों में किसी का व्यक्तिगत काम मेरे से ना हो पाया, हो सकता है कोई अड़चन किसी काम में किसी के व्यक्तिगत काम में आ गई हो, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कह सकता हूं कि मैंने मेरे पास आप लोगों में से कोई भी आया हो तो मैंने उसका सम्मान जरूर किया होगा, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। एक बात और बताना चाहता हूं आपको, इन 5 सालों में क्षेत्र की सेवा मैंने एक बेटे के रूप में की। जैसे माता पिता की सेवा उनका बच्चा करता है, उस प्रकार से क्षेत्र की सेवा मैंने की है, मैंने प्रयास किया है। शुरुआत में मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, शुरुआत में मैं इतना नेतागिरी कैसे करते हैं ये मुझे जानकारी नहीं थी। आप लोगों के बीच में रह करके मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, अच्छे बुरे अनुभव रहे, और अगर ये माना जाए पिछली बार आपने चुनाव में वोट दिया था तो कि अपना बालक है, बालक को वोट दे करके